क्लीनिंग नहीं है तो ये है कार्बन ऑफसेट वाला केस मतलब क्या है देखो, अब ग्रीन वॉशिंग पे क्वेश्चन आया था देखो अब यूपीएससी से ग्रीन वॉशिंग पे ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे नहीं इसके और क्या प्रोबेबिलिटीज़ बन सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन इट इज इट इज ग्रीन वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग तो आपने सुना होगा व्हाइट वॉशिंग है ना व्हाइट वॉश तो क्वेश्चन यूपीएससी में था ग्रीन वॉशिंग इट वॉज आई गेस ट्वेंटी ट्वेंटी टू का क्वेश्चन होगा ग्रीन ग्रीन वॉशिंग वॉशिंग तो इज रिसेंटली इन द न्यूज इज इन द कंटेक्स ऑफ ऐसे क्वेश्चन था तो अब देखो इसी कंटेक्स में ये क्वेश्चन है पोस्टल क्लीनिंग एफोरेस्टेशन कार्बन डाइक्साइड एंड इको फ्रेंडली एंट्स तो एनी कॉल एनी कॉल फ्रॉम योर साइड गाइस इजी है क्योंकि अगर इसका आंसर सही दोगे तो मैं आपको कुछ नई चीज बताऊंगा इसमें ही बता ही दूंगा बट यस तो कुछ और टर्म्स में इसके साथ आपको यू नो यूल इंफॉर्मेशन अबाउट इजी है वैसे देखो ग्रीन वॉशिंग इज वॉट लाइक इट्स दैट समर एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एनी पर्टिकुलर गेंट और एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज वॉट लाइक रिफ्लेक्टिंग ऑन की दैट इज वॉट फुलफिलिंग द्स ग्रीन टारगेट इन फैक्ट

कार्बन ऑप्सेट कि यू आर शोइंग और यू आर रिफ्लेक्टिंग नो नो साइलेंट बॉय नो मैन देखो क्लीनिंग नहीं है तो ये है कार्बन ऑप्सेट वाला केस मतलब क्या है देखो अब ग्रीन वॉशिंग पे क्वेश्चन आया था देखो अब यूपीएससी से ग्रीन वॉशिंग पे ही क्वेश्चन पूछेगा ऐसे नहीं नाउसी और क्या प्रॉबेबिलिटीज बन सकते हैं आई है डिफरेंट डिफरेंट केसेस वॉशिंग क्या है इट इज टू डिस्क्राइबिंग ऑर्गेन अबाउटिटिव इंपैक्ट ऑफेशन पॉलिसी इट इज कॉइन बाय जे वास्टरवेल्ड इन एटीन नाइनटीन एटी सिक्स अल्टर एज ग्रीन शीन एज वेल ग्रीन शीन पे भी क्वेश्चन हो सकता है ग्रीन वॉश भी क्वेश्चन हो सकता है है ठीक जो पूछा है ऑलरेडी अब अब ग्रीन वॉश के अपार्ट और भी कुछ चीजें देखनी पड़ेगी यस आर डिफरेंट कलर यू यू नो नो वॉशिंग वॉश तो आपको पता है जो हम जनरली कंस्ट्रक्शन you know, के बाद मतलब व्हाइट वॉश कराते हैं व्हाइट पेंट कराते हैं जस्ट टू प्रिवेंट प्रीवेंट ह्यूमिडिटी राइट देखो ये है आज का एक एडिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड फॉर यू गाइस है ना क्योंकि जैसे हम हर बार यही कर रहे हैं कि हमको कुछ नई स्ट्रेटेजी लेनी नई कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है

तो ये क्या हो गया देखो कितने डिफरेंट मीनिंग्स है अगर इसको सोशल कल्चरल देखोगे तो यू विल फाइंड इसके डिफरेंट डिफरेंट वेज और मीनिंग्स आ रहे हैं आई होप देखो एक और दो है अभी ब्राउन वॉशिंग क्या है टू रिब्रांड कवर अप और अपर्ट अटेंशन फ्रॉम एमोरल इलिसिट और क्रिमिनल एक्टिविटीज बाय एस्टैब्लिशिंग पार्टनरशिप और कनेक्शन विद द लेजिटिमेट वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कि अगर आप कोई इन एक्टिविटी कर रहे हो तो आप क्या करोगे किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्ट कर लोगे टाटा जैसे कि जिसका एथिकल यू नो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है तो ऐसे से आप पे भी एक लिजिटि अपने आप आ जाएगी दैट इज वॉट दिस ब्राउन वॉशिंग एज और एक पिंक वॉशिंग है पिंक वॉशिंग इज वॉट इट इज सिंपली दिनोमिना इट्स लाइक वेन एलिजीबिली राइट्स आर प्रोटेक्शन एंड आर एज इविडेंस ऑफ लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी स्पेशली टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम एनी अदर रेसिंग प्रॉब्लम तो ये एल जी बी टी के राइट्स एल जी बी टी क्यू के राइट के लिए पिंक वॉशिंग ब्राउन वॉशिंग रेशियल है ब्लैक और व्हाइट देन यूल फाइंड ब्लैक वॉशिंग सॉरी ब्राउन वॉशिंग में हम इमोरल एक्टिविटीज के लिए ब्लैक वॉशिंग में हम कलर का रेशियल केस देख रहे हैं ग्रे वॉशिंग में एक्सटेंशन ऑफ दी ग्रीन वॉशिंग आई होप देखो कुछ नई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है व्हाइट वॉशिंग आपको विजिबल है या नहीं आई डोंट रियली नो बट व्हाइट वॉशिंग देखो सिंपल है अपलाइंग वॉटर प्रें ऑल दी वॉल ठीक है जस्ट टू प्रिवेंट वॉटर इन टू ब्रिक्स